वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज हमारी यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन है प्लस वेलकम पार्टी और फेयरवेल भी है। हमें वेलकम मिल रही है क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर हैं, और बाकियों को फेयरवेल मिलेगी जो जा रहे होंगे। और कोई इतना वो हमें वेलकम नहीं मिल रही, हमने खुद पार्टिसिपेट किया है, पैसे दिए हैं भाई। और अभी आपको अंदर पोस्टर्स दिखाते हैं जाके। और ये हम लोग एग्जीबिशन हॉल की तरफ जा रहे हैं, और हमारा पोस्टर का जो टॉपिक था ना, वो था साइको एनालिटिकल थीरी ऑफ फ्राइड, इड ईगो और सुपर ईगो पे हमने बनाया था। ये एक बहुत ही मज़े का खूबसूरत सा इन्होंने हॉल सजाया हुआ है। एक तरफ पार्टी होनी थी और एक साइड पे इन्होंने पोस्टर के लिए बनाया हुआ था। तो अभी आप सारे पोस्टर वन बाई वन देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, आप इंजॉय करेंगे। जिनको आर्ट का वो शौक़ है या जिनका ज़ौक है आर्ट में, एग्जीबिशंस और ये सारी चीज़ें, उनको तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। ये हमारी यूनिवर्सिटी में सर लुकमान ने पहली बार इस तरह से करवाया, और जो चेयरमैन है उनको भी काफ़ी ये जो है ना इनिशिएटिव उनका पसंद आया, कि बहुत अच्छा काम उन्होंने करवाया। ये हमारा पोस्टर आ गया। अच्छा, बहुत प्यारे प्यारे सबके पोस्टर्स थे, पोजिशंस भी अनाउंस हुई थी। खैर, हम मेरी तो कोई पोजिशन नहीं आ सकती, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बहुत खूबसूरत और बहुत ही यूनिक से पोस्टर्स थे, तो उनकी वो आई है। इन पोस्टर्स के 20 मार्क्स तो थे ही, लेकिन हमें जो है ना इवेंट में पता चला कि इसके लिए एक प्राइज़ बॉन्ड भी रखा गया है। और फर्स्ट पोजीशन को 10,000 दिया गया था, और सेकेंड थर्ड को 5,000 कैश दिया था। अगर हमें पहले पता होता तो हम भी थोड़ी ज़्यादा कोशिश कर लेते, लेकिन हमें नहीं पता था। खैर, 20 मार्क्स के लिए भी हमने मेहनत तो अच्छी की है। वॉइस ओवर करने के लिए ना मैंने रूम का फ़ैन ऑफ कर दिया था, तो मेरी दोस्त मुझे कहती है कि चलो आयशा, तुम्हारी ना सक्सेस के लिए हम लोग ये कुर्बानी भी दे देते हैं। इतनी शदीद गर्मी थी, और अभी मेरा वॉइस ओवर पूरा नहीं हुआ, 2 मिनट के बाद मुझे कहती है इससे पहले कि हम लोग कुर्बान हो जाए प्लीज़ ऑन कर जो ना फ़ैन ऑन कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, अब पता नहीं फ़ैन की आवाज़ वॉइस ओवर में आ रही होगी या नहीं, लेकिन जो भी है उन बेचारियों को मैं मार नहीं सकती। नाज़रीन, यहाँ पे आ रहे हैं सर लुकमान, जिन्होंने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाई थी। ये रहे सर लुकमान। काफ़ी मेहनत और तकोदों के बाद मुझे मौजू मिल ही गया।
जवानी 4 दिन की और डिग्री 4 साल की। जनाबे सदर, वो शेर है कि वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, यू लाइक नोकिया आई लाइक सैमसंग। तो मेरी आज की तकरीर उन तमाम खूबसूरत लड़कियों के नाम जो हमारे डिपार्टमेंट में कम ही पाई जाती हैं। मेरी आज की तकरीर रिफा के उन तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम जिन्होंने इस बात की कसम खा रखी है कि किसी गरीब का घर बसने नहीं दे रहे। मेरी आज की तकरीर लिफ्ट वाले उन बाबा जी के नाम जो कोई गरीब लड़का अगर गलती से लिफ्ट में चला जाए तो उसे ऐसे देखते हैं कि जैसे उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। मेरी आज की तकरीर उन इंसाफ पसंद उस्तादा के नाम जो कोई लड़की तो अगर क्लास में लेट हो जाए तो उसे बिठा लेते हैं लेकिन अगर कोई गरीब लड़का सिर्फ आज तो उसे ये कहकर क्लास से निकाल देते हैं कि अब तुम्हारी एब्सेंट लगेगी। पता नहीं हमारे साथ नहीं होता है। हमारी यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जहां पर किसी दोशीजा से बात करना इतना ही मुश्किल है जितना किसी दोस्त से कैंटीन में खाने के बाद बिल पे करवाना। दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर किसी को मुखातिब करना हो या अगर किसी से काम पड़ जाए तो कहा जाता है एक्सक्यूज मी बात सुनिएगा, और रिफा वो वाहिद इदारा है जहां पर कहा जाता है भाई बात सुनना। भाई भाई एक ऐसा लफ्ज है जो इन शेर जवानों के सीने छलनी कर देता है। तो मेरी आज की तकरीर उन गुमनाम भाइयों के नाम जो किसी बैंक के काम के लिए शदीद गर्मी में पूरे फैसलाबाद के अंदर ख्वार हो सकते हैं लेकिन अगर उनका भाई मर रहा हो तो उसे पानी का घूंट तक ला कर नहीं देंगे। और ये ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी जिंदगी के कीमती 4 साल इंसानियत की खिदमत में गुजार देते हैं। इंसानियत की खिदमत में भी स्पेशल कैटेगरी में जाकर सिर्फ सिर्फ नाजो को सर्विस देने में गुजार देते हैं। ऐसे गुमनाम हीरोज को मेरा सलाम है और ऐसे गुमनाम हीरोज तकरीबन हर एक क्लास में पाए जाते हैं। हमारी क्लास में भी है और वो असजद नहीं है। फिर शॉर्ट अटेंडेंस का था सामना बिन क्लासों में बसर हुए, वो जो 4 दिन थे मेरे शबाब के वो रिफा में गुजर गए। जनाबे सदर, आज से 3 साल पहले मेरी जिंदगी के अंदर कोई टेंशन नहीं थी और पिछले 3 साल से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि कहीं अटेंडेंस ना शॉर्ट हो जाए। जनाबे सदर, जब मैं पहली दफा रिफा के अंदर आया था तो मेरा वजन था 70 किलोग्राम और अब सिर्फ 700 ग्राम रह गया। पहले जब मैं बाहर निकलता था तो लोग मुझे देखकर कहते थे ये फौजी है, अब कहते हैं ये फौजी है। जनाबे सदर, इतना इंतजार तो लैला ने मजनू का, पुन्नो ने ससी का, शीरी ने फरहाद का और यूसुफ ने शेरबानो का नहीं किया होगा जितना मैं अपनी डिग्री का मुकम्मल होने का कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि सानू यार जुदाइयां मार गई, लोग कहते हैं कि सानू यार जुदाइयां मार गई, इतने नवे सेमेस्टर दियां फेर पढ़ाइयां मार गई। और आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। ये मैंने एक पीछे लिखा हुआ पढ़ा था। वैसे एक बात है, अगर हमारी फैकल्टी के ट्रक होते तो उनके पीछे क्या लिखा होता? हाँ जरा बताओ श्वेत, क्या लिखा होता? अगर मैम कमल के नाम का ट्रक होता तो क्या होता? मैम कमल तो मेरी फेवरेट टीचर हैं, उनके ट्रक के पीछे लिखा होता दिखने में गोली चलने में गोली। सर लुकमान के ट्रक के पीछे लिखा होना था सवारी लबे न लबे स्पीड 190। और अगर ट्रक तुम्हारी जान सी मैम अस्मा का होता? मैम अस्मा के ट्रक के पीछे लिखा होना था जलने वाले का मुंह काला। और अगर मैम शमीम का ट्रक होता? मैम शमीम का ट्रक होता तो लिखा होता खैर ना ला ते खैर ना जा। छोड़ दिया सर सजाद। सर सजाद कैसे भूल गए? सर
दस हजार के ट्रक के पीछे लिखा होता तुम लंग जा साड़ी के। और सर सलीम रह गए। सर सलीम के ट्रक के पीछे लिखा होता देख मगर प्यार से। और एक और जुमला लिखा होता दिल बराए फरोख कीमत सिर्फ एक मुस्कुरा। फिर मैं एक शेर हम डेडिकेट करेंगे सर लुकमान। सराइकी अंदाज में कि दिल ठीक है पता नहीं की चाहते हैं आज तक समझा नहीं सकिया ते दिल में हो तेरा नहीं बनना गल देन तुला न सकिया ते मेरा हो के मजहर हो मेरे दुख दर्द वंडा न सकिया ओ बंदे रब बोल वेंदे तू जलिया एक शख्स बुला न सकिया। आप जो इतनी प्यारी हैं और इतनी भोली भाली हैं, आप जो इतनी प्यारी हैं और इतनी भोली भाली हैं, चेहरे से तो गोरी हैं पर पैरों से क्यों काली हैं? हम हैं आपके मेजबान यासिर शफ़क, मोहम्मद इब्राहिम, शुएब हसन। सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी हेडलाइंस। आज की ताज़ा खबर यह है कि इंटरव्यू के उम्मीदवार से रिफा का तालिबे इल्म होने का सबूत मांगा गया तो उसने फौरन जूस के डब्बे का पटाखा मारकर रिफा से वालियाना मोहब्बत का इजहार किया। खबर शामिल करेंगे रिफा के 6th सेमेस्टर से, जहां एक ही वक्त में बच्चों को मुस्कुराता देखा गया, लगता है मैम कमल ने क्विज लेने से इनकार कर दिया है। बच्चों को मुस्कुराता देखकर सर सलीम बेहद परेशान, हफ्सा से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली गई। रिफा के एनुअल डिनर पर जिन निकल आया, जिनको देखकर लड़कियों की चीखें निकल गई। लड़कियों को वजू करके आने का कहा गया, जब लड़कियां वजू करके आई तो जिन की चीखें निकल गई। रिफा के नौजवानों की रंग बिरंगी शर्ट जब्त कर ली गई, उम्मीद है कि कुछ देर में खदीजा हाल में लंडे का इफ्तिताह होगा। सर सलीम और सर लुकमान के दरमियान ब्यूटी कंपटीशन उरूज पर। आप तक के गैर रस्मी और गैर सरकारी नतज के मुताबिक सर लुकमान को 2 नंबरों से बरतरी हासिल। दोनों के दरमियान रिफा के वॉशरूम में तीसरी बार लौटा पाए। 6th सेमेस्टर के आमिर गुज्जर मशकूक रहा। एक हफ्ते के रिमांड के लिए सर लुकमान के सामने पेश कर दिया गया। कॉमन रूम में छिपकली निकल आई, जिससे 3 लड़कियों का अतरा निकल गया। स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी, सर सलीम का बच्चों में लैपटॉप और आईफोन 4 तकसीम करने का फैसला। सर लुकमान के पढ़ाने की स्पीड फरारी को क्रॉस कर गई। राय के मुताबिक पिट वाला पाउडर लगाने से रिफा के लड़कों को नरान कगान वाली फीलिंग आने लगी। बार बार एफ लगने के बायस रिफा के तालिबे इल्म का कुछ यूं हाल है, दिल की तन्हाइयों को आवाज बना लेते हैं। दिल की तन्हाइयों को आवाज बना लेते हैं, शबाना कॉल ना उठाए तो फरजाना को कॉल मिला लेते हैं। यार मेरी अम्मा का नाम एक आप अंदाजे के मुताबिक पिछले साल से लेकर अब तक 5 लाख मजलूम लड़कों को रिफा की जालिम लड़कियों ने ब्लॉक कर दिया। आपको 4th सेमेस्टर से खबर देते हैं कि लड़के गोरा होने के लिए फायजा ब्यूटी क्रीम लेकर आए। लड़के तो गोरे ना हुए लेकिन करीम काली हो गई। रिफा का तरक्की की तरफ पहला कदम। एक माह में टीचर को 1000 से ज्यादा लेक्चर लेने की हदायत जारी, अब 1 महीना 40 दिनों का हुआ करेगा। खबर शामिल करेंगे यूनिक एक को-एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने फीमेल गार्ड्स का मुतालबा कर लिया। रिफा के तालिब इल्मों में परेशानी का आलम। तालिब इल्म एक क्लास 188 में और दूसरी क्लास 2950 में लेने से इनकारी। इंतजामिया से हेलीकॉप्टर का मुतालबा। ग्राय से खबर मिली है कि मैम आशा की DSM पर ग्रिप मजबूत हो गई है। एक और अहम पेशरफ नजूमियों ने पेशगोई की है, इस हफ्ते सर लुकमान के मूड स्विंग्स अरूज पर रहेंगे। मजीद आपको आगाह करते चलें कि सर सलीम का सैफी हॉस्पिटल का दौरा, वहां से 2 ग्लूकोज की बोतलें गायब, डॉक्टर तशवीश में मुब्तला।
यही कहती थी, आखिर कौन थी वे, कौन थी वो। सर शकील के स्टूडेंट्स के गुमशुदा मोहब्बत की तलाश में निकल पड़े। वो भी यही कहती थी, आखिर कौन थी वो। रिफा के तालिब इल्म सर शकील की गुमशुदा मोहब्बत की तलाश में निकल पड़े। मजीद आपको बताएंगे कि सिक्स्थ सेमेस्टर के बच्चों का मैम शमीम से पढ़ने के बाद मीठा खाने से इनकार। उनका कहना है कि ये मैम शमीम से पढ़ने के बाद उनके अंदर मिठास बढ़ जाती है। खबर मौसूल हुई है रिफा के तालिब इल्म की रिसर्च का एक अनोखा टॉपिक, मैम कमल के गले में फिट स्पीकर मौजू बनाया गया। मैम आसमा के अगले दो माह लाहौर ना जाने के फैसले पर तालिब इल्मों का इजहार तशवीश। मैम इकरा रमजान की लड़कों को अनोखी वार्निंग, क्लास में लेट आने वालों को मोटी बीवी मिलेगी। मैम सिद्रा का बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाने का ऐलान। सर लुकमान के व्हाट्सएप स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए जराए की जल्द ही उनकी दूसरी शादी की पेशकश। लगाने का मामला जेरे बहस, पांच रुकनी बेंच तैयार, बेंच की सदारत सर अब्दुल्ला करेंगे। शादीशुदा अपराध के लिए खुशखबरी, अब यूनिवर्सिटी में निकाहनामा दिखाकर एंट्री हासिल हो सकती है। सर सलीम को बिरयानी का अनोखा शौक, बिरयानी के चक्कर में पूरा इवेंट प्लान का डाला। मैं कमल का क्लास में चीखने के बहस गला खराब, डॉक्टर ने खांसी के शरबत की मिकदार बढ़ा दी। इब्राहिम से दो पैनाडोल भी वसूल कर ली। तेरे बिन ड्रामे से मुतासिर होकर सर शकील का गर्मियों में भी शाल पहननी शुरू कर दी। रिफा के तालिब इल्म समुद्री तूफान का मुकाबला करने के लिए भारी नफरी के साथ कराची रवाना। मैं अस्मा के आज जरा से ज्यादा तैयार होने पर चांद शर्मिंदगी के बारे निकलना भूल गया। समुद्री तूफान की पेशकश हुई, स्टूडेंट्स मैम कमल की कैरियर के लिए परेशान। सर अब्दुल रहमान के दर्दी ने मजीद कुर्ते लेने से इनकार कर दिया। सर लुकमान की खूबसूरती का राज सामने आ गया, सर के बैग से फायजा ब्यूटी क्रीम निकल। आज की एक और बड़ी खबर, सर सलीम का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का स्विट्जरलैंड टूर ले जाने का ऐलान। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया। ट्रीटमेंट कराने के लिए एक बंदा आया तो उससे पूछा, वो बड़ा गुस्से में बैठा हुआ था,
तो उससे पूछा कि ना बाद में कुछ सुनाए, तो बड़ा गुस्से में बोला, मैं खुद ये चाहता हूँ कि हालात हो खराब, मेरे खिलाफ जहर उगलता फिरे कोई, ऐ शख्स अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश इस दबान दराज का मुंह नोच ले कोई। फिर वहां पे एक रिफा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो कि सर का असिस्टेंट था, वो उनकी बातें सुन रहा था, तो उसने कहा जी बस करें, उसने मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ, उसे कहा जी बताए मगर शेर में समझाना। कहते जी कम से कम हो नुकसान, कम से कम हो हमें नुकसान, बचा लेते हैं दश्त तो वहशत से गिरे बांध, बचा लेते हैं बेईमानी पे ना उकसाए हमें इश्क के मिजाज, बेईमानी पे ना उकसाए हमें इश्क के मिजाज, आ बिछड़ जाते हैं ईमान बचा। फिर उसने जाके कहा कि सर जी बाहर बहुत माहौल जो है वो गर्म हो गया है, तो आप पहली जो है पेशेंट जो है वो बुला लें अगर, तो सर सलीम आगे से जवाब देते हैं कि वो दिन गए कि मोहब्बत की जान की बाजी, वो दिन गए कि मोहब्बत की जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। ये मैं हूँ, ये मेरी दोस्तें हैं और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। रोटी खुल गई है शफीक अहमद। कोमल ने थैले के अंदर पानी डाला है ख़त्म ना हो जाए, और वाकई जब मैं वहाँ गई हूँ ना तो पानी ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे हमारी पार्टी के साथ साथ हमारा व्लॉग भी एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।